अस्सलाम वालेकुम, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अमेज़न पे काम कर रहे हैं। सो अमेज़न में डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें एक मॉडल है ऑनलाइन आर्बिट्राज। बड़ी टेक्निकल सी बात है कि आजकल जो क्वार्टर फोर चल रहा है और इस क्वार्टर फोर में अमेज़न जो है वो बहुत ज़्यादा अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट करता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं जो बिजनेस एलएलसी पे नहीं बनते नॉर्मली उन पर क्रैकडाउन किया जाता है, या फिर जो अकाउंट बिजनेस वाले भी हैं उन पर इनवॉइसेस मांग ली जाती हैं। सो वो लोग जो ऑनलाइन आर्बिट्राज का काम कर रहे हैं उनके लिए मेरा मशवरा है कि वो अपनी ऑनलाइन आर्बिट्राज खासतौर पर इस क्वार्टर फोर में है जो अवॉइड करें इस पर सेलिंग करना, बिकॉज इसमें अमेज़न जो है वो बहुत ज़्यादा क्विकली जो है वो अकाउंट डीएक्टिवेट भी कर रहा है और खासतौर पर इनवॉइसेस मांग रहा है। सो फॉर अ टाइम बीइंग आप इसमें थोड़ा होल्ड कर सकते हैं और अमेज़न एफबीए होलसेल मॉडल में आप रहें, वो ज़्यादा सेफर मॉडल है। जब जनवरी स्टार्ट होगा या नया क्वार्टर स्टार्ट होगा तो तब आप इस ऑनलाइन आर्बिट्राज में दोबारा से इन हो सकते हैं, लेकिन राइट नाउ जो है वो सिनेरियो यही है कि आप अभी आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। सो अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज जेनेरिक या होलसेल बिजनेस कर रहे हैं तो होलसेल बिजनेस की तरफ ज्यादा फोकस कर लें। एक दो महीने जब भी क्वार्टर गुजर जाएगा तो फिर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ दोबारा जाएगा, लेकिन राइट नाउ जो है सिचुएशन ऐसी है कि जो अमेज़न जो है वो बहुत अकाउंट जो है डीएक्टिवेट कर रहे हैं। मजीद अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में बायो में हमारे नंबर अवेलेबल हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।